ये देख सकते हैं, ये है खपरा, खपरा का घर। और खपरा का घर ऐसे नहीं होता, और इसे ये पत्थर पत्थर का घर है। आज हम लोग जा रहे हैं इधर, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा लग रहा होगा पर बहुत बड़ा है। और हम लोग चल रहे हैं उस पठार में, और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो एकदम पत्थर है, पूरा पूरी पत्थर। अभी मेरे आगे जो एक बहुत सारा पत्थर है छोटा छोटा, उसको भी दिखाऊंगा मैं। पर ये जो मैं पैर रखा हूँ वो भी एक पत्थर ही है, पठार बोलते हैं इसको। चलो चला, ढोंगा में भी इतना बड़ा पानी है, ढोंगा में कहाँ से पानी है। जाते जाते बहुत बढ़िया लगता है बताए देखने में, सब तरफ पठार ही पठार है, अगर दिखने में दिखेगा तो देखेगा, उधर है पठार, उधर है पठार, सब तरफ पठार। इधर देख सकते हैं, देखें पूरा घास दिख रहा है, जब बारिश अभी है इसलिए ये घास हरा भरा दिख रहा है, पर अगर यही चीज़ गर्मी होगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये सब पूरा पत्थर बन जाएगा। और मैं वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा हाइट के बराबर से ज़्यादा कुछ वो पत्थर है, तो सोचो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो कितना बड़ा होगा। पठार ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ही पत्थर होता है, चट्टान। अगर यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो टोंगरी ये है। और ये मैं यहाँ पे आया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पत्थर ही पत्थर है सब तरफ। आप लोग उधर देख सकते हो, उधर आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, उधर भी है सब तरफ पूरा उठा हुआ है। और मैं तो उसे यहाँ घूमने के लिए तो नहीं भी मज़ा लगी। हाँ वैसे ये देख सकते हो, ये है साल का दातुन, हम लोग इसी से दातुन कर रहे हैं दो दिन से। और आसपास जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो पौधे दिख रहे हैं ना वो सब साल का ही इसी का है। और इसको कोई भी आसपास के गांव जो है आएंगे तो के ले जाएंगे, ये होते ही रहता है, अटकता नहीं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये नहीं है पर बहुत बुरा हो गया है इधर, ये है साल का है। जैसे ये बड़ा पेड़ है ना, छोटा पेड़ आस पास पूरा सूंघता है सब तरफ है। और इसका से दातून करते हैं, दातून जैसे कि आप लोग ब्रश जानते हैं ना, वही ब्रश मान लो। और क्या देखिएगा, ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अभी वो है सबसे चोटी, इस पहाड़ पर पठार का चोटी है, और आसपास सब तरफ पठार ही है। उधर मैं उस नदी पे लेके जाऊँगा आपको, अगर दिख रहा होगा थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा होगा आपको, वो शंख नदी है। नदी एक अलग से एक खास बात है उसका, क्योंकि बॉर्डर है वो एक छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर, वहाँ पे लेके जाऊँगा उसका स्पेशल अलग वीडियो बनेगा। और ये देख सकते हैं घास, सब घास नहीं, ये कई कई बोलते हैं, कई बढ़ के हैं। यहाँ पे पानी आजकल बहुत आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे पानी भी है, अभी फिलहाल में बारिश हुआ था, दिख रहा होगा ये पानी है क्योंकि बारिश आया था अभी अभी थोड़ा देर पहले। और सब तरफ खेती है, मज़ा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है, सब तरफ साल का पेड़ है यार। और ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप लोग यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, चलो भाई आप लोग कहें घूमने आए हैं तो घूमो, ठीक है। आदमी भी नहीं चिन्हावे मड़वा का छोड़ा मने, देखा ना ये कितना बगरा, पता है मड़वा का डायर है भर भर के, जितना चाहे उतना है, ततून भी है लेगा दिशो थे एक ठो डेर।
एक तो डेर पूरा भर भर के डेर है, जितना डेर ले सब उतना बा। शादी करो थल तो तोर गांव में शादी के जब ही राची करे फुक रहे। मेरा हाइट इतना है बराबर और ये बस छोटा है। कितना बार मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब पठा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक कलवा कालू आगे आगे जाता है, रास्ता सब है, आ जाओ बेटा बोलता है आपको। और एक बात बताते कि ये आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये है डाली, देख सकते हैं डाली। हम लोग की तरफ अगर होते तो यही हम लोग के मड़वा का काम आ जाता है। मड़वा अगर आप समझते हैं तो शादी में, शादी जिस दिन है उसका पहला दिन जो होता है ना, इसको हम लोग गाड़ते हैं। हम लोग आदिवासी क्रिश्चियन जो होते हैं उनके घर में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे तो कोई भी इतना मोटा को देखते ही नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा मोटा मोटा को करने के लिए लेते हैं। और हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो शायद इसी को बहुत मतलब मोटा ही मानते हैं, बड़ा है मानते हैं। वैसे मेरे से ज़्यादा ऊंचा है, आप लोग देखते हैं कितना ऊंचा है मेरे से। और एक बात बता दो, पता है मेरे साथ ये कलवा देख घर का है, कलवा ये भी है, ये बच्ची। वैसे ये साल का है, साल का हम लोग अपना जो दत्वन करते हैं उसी प्रकार से साल का मड़वा गाड़ते हैं। शादी का पहला दिन, पहला रोज चाहे कोई भी हो, आपको शायद बहुत छोटा लग रहा होगा पर इतना बड़ा है ना ये पठार। आप आएंगे तो सांस फूलेगा। पानी को तो बिछुओ ना, ये है पानी जो कि चट्टान से निकल रहा है। इसमें यहाँ के आसपास के लोग होते हैं जो कि बारिश के मौसम में विशेषकर यहाँ पे आते हैं और नहा के जाते हैं। नहा धोवा के सुबह के आएंगे, धोवा नहा के जाएंगे और फ्रेश होकर लोग यहाँ से जाते हैं। और हम लोग आज देखने आए हैं तो सब लग रहा है कि हम भी यहीं पर नहा लेते, पर हम कुछ लाए नहीं है तो नहीं नहाएंगे। बस आपको दिखा रहे हैं आगे भी पानी निकल रहा है, मतलब आगे से आ रहा है, यहाँ पे जमा हो जा रहा है। देखिए इधर से अगर यहाँ पे मछली होता तो कितना अच्छा होता है, यहीं पे मारते हैं। हाँ गर्मी का मौसम में जो यहाँ हरा भरा दिख रहा है ना, ये सब घास कुछ नहीं रहता है, पानी भी वैसे वहाँ नहीं रहता है, बस बारिश का मौसम में रहता है। पानी भी नहीं, नहीं सूखा। हाँ वाला। इतना धूप ही रहता है ना कि इंसान को राहत नहीं मिलेगा यहाँ पे रह के। पिघलगा तो नहीं लेकिन गर्म हो जाएगा। हम धोवा लेते हैं, मजा आएगा। वो आदमी तो दिस भी नहीं करते। सेल्फी